क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अंधेरी में वीयू के एक्सपीरियंस स्टोर में, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतने सारे टीवी आपको वहाँ पे देखने मिल जाएंगे। और स्टोर में आप आके यहाँ पे टीवी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पे इन टीवीज को बाय भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। लेकिन अगर बात करूँ आज के इस वीडियो की, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा प्रीमियम टीवी वीयू की तरफ से, जो कि एक अपने आप में ही मास्टरपीस है, क्योंकि इस टीवी का नाम ही है मास्टरपीस ग्लो। और मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको उस टीवी की तरफ और आपको बताता हूँ उस टीवी की खासियत के बारे में। इस टीवी में आपको देखने मिलता है 100 वॉट का स्पीकर, साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का मोशन रेट, और साथ में जो टीवी है वो अपने आप में काफी प्रीमियम है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। साथ में गेमिंग भी आप यहाँ पे काफी तगड़ा कर सकते हैं 120 FPS में, और इसी के साथ में डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन, ये सारी चीजें आपको इस टीवी में देखने मिलती है। साथ में आप देख सकते हैं जो टीवी का लुक है वो अपने आप में काफी प्रीमियम है। तो इस वीडियो में इस टीवी के बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बताना, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखते रहना, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें, तो बिहाइंड द सीन्स के लिए एंड इन्फॉर्मेटिव रील्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इस टीवी के वेरिएंट्स के बारे में। इसमें आपको 3 डिफरेंट मॉडल्स देखने मिल जाते हैं, 55 इंच, 65 इंच एंड 75 इंच। और ये तीनों मॉडल्स में सिर्फ साइजेस का फर्क है, यानी आपको यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन साइज का डिफरेंस देखने मिलता है, बाकी जो फीचर्स है वो आपको तीनों ही टीवी में सिमिलर देखने मिल जाते हैं, यानी सेम टू सेम फीचर्स आपको तीनों ही मॉडल्स में देखने मिल जाएंगे। बाकी सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप इस टीवी को फ्रंट लुक से देखेंगे तो आपको काफी प्रीमियम लुक देखने मिलेगा, क्योंकि जो बेजल्स है वो आपको पे काफी मिनिमल देखने मिलते हैं, काफी पतले बेजल्स है एंड ऑलमोस्ट बेजललेस डिजाइन आपको यहाँ पे फ्रंट लुक में देखने मिल जाता है। बाकी इसके अलावा जो आपको पे फ्रेम्स देखने मिलते हैं साइड्स में एंड बॉटम में, वो आपको यहाँ पे एल्युमिनियम के देखने मिल जाते हैं। और इसमें आपको अरमानी गोल्ड का कलर देखने मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम लुक देता है इस टीवी को। बाकी इसके अलावा जो स्टैंड है वो भी आपको यहाँ पे एल्युमिनियम के देखने मिल जाते हैं। टीवी के बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट प्लस मेटल का आपको यहाँ पे मिक्सचर देखने मिलता है। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे टेक्सचर देखने मिल जाएंगे इनके बैक साइड के डिजाइन में, और साथ में आपको यहाँ पे एक सब वूफर दिखाई दे रहा होगा, जिसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये एक चीज मुझे यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग लगी है। इसी के साथ में अगर बात करूं पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको एसी पावर इन का एक अलग से पोर्ट देखने मिल जाएगा, साथ में लैंड के लिए भी आपको यहाँ पे एक अलग से पोर्ट देखने मिल जाता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 यूएसबी एंड 4 एचडीएमआई का पोर्ट देखने मिल जाएगा। और ये जो 4 एचडीएमआई पोर्ट है, इनमें से 2 आपको 2.1 वाले देखने मिल जाते हैं, जहां पे आप यहाँ पे 4K 120 FPS में सारी चीजों का आउटपुट ले पाएंगे, और साथ में जो बाकी के 2 है उसमें आप 4K 60 FPS का आउटपुट ले पाएंगे। इसी के साथ में आपको यहाँ पे एंटीना, एवी इन एंड 3.5mm ऑडियो जैक देखने मिल जाता है डायरेक्टली टीवी में ही। बाकी टीवी के फ्रंट साइड में बॉटम में आपको VU की ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी, और इसी के नीचे आपको यहाँ पे फार फील्ड माइक्रोफोन देखने मिल जाता है, जो कि हैंड फ्री वॉइस असिस्टेंट के लिए, यानी आपको यहाँ पे रिमोट को यूज नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ पे सिंपली इसे टर्न ऑन कीजिए और आप अपने रूम में बैठ करके डायरेक्टली कमांड कर सकते हैं, और बिना रिमोट को या फिर बिना वॉइस असिस्टेंट के बटन को दबाए हुए ही आप यहाँ पे गूगल वॉइस असिस्टेंट को यूज कर सकते हैं हैंड फ्रीली, जो कि काफी प्रीमियम एंड काफी कन्वीनियंट फीचर है। और आप चाहे तो इसे टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। सो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि फॉर द प्राइस पॉइंट ये आपको काफी प्रीमियम एंड काफी अच्छा लुक देता है, साथ में जो बिल्ड क्वालिटी वो आपको वहां पे सुपीरियर देखने मिल जाता है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं इस टीवी के डिस्प्ले की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक 4K टीवी है, साथ में ये QLED टीवी, यानी आपको वहां पे क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी देखने मिल जाता है इस टीवी में, जो कि ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी काफी बेहतरीन आपको ला के देता है, जिसके बारे में आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ। साथ में आपको वहाँ पे 800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने मिल जाती है। साथ में इस टीवी में आपको 120 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है, यानी आपको 120 हर्ट्ज काफी बेहतरीन देखने मिलने वाला है। और इसी के साथ में 240 हर्ट्ज का आपको मोशन रेट देखने मिल जाता है। और इन सबके अलावा चेरी ऑन द केक, यानी आपको वहाँ पे MEMC टेक्नोलॉजी देखने मिल जाता है इस टीवी में। और जब भी आप कोई भी एक ऐसा कंटेंट वॉच करेंगे जहाँ पे मोशन ज्यादा हो रहा है, या फिर कोई एक्शन हो गया, या फिर कोई स्पोर्ट्स वाले कंटेंट हो गए, तो जो ओवरऑल आपको वहाँ पे आउटपुट देखने मिलता है इस टीवी का वो काफी स्मूथ, काफी मक्खन जैसा देखने मिलता है। साथ में इस टीवी में आपको 10-bit IPS पैनल देखने मिलता है, फुल एरे लोकल डिमिंग देखने मिल जाता है, 4K अपस्केलिंग देखने मिल जाता है एंड 100% कलर वॉल्यूम देखने मिल जाता है, यानी जो कलर की एक्यूरेसी वो आपको पे काफी अच्छी देखने मिलती है। और अब अगर बात करूं यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि MEMC 120 हर्ट्ज एंड 240 हर्ट्ज का मोशन जो देखने मिलता है, उसके वजह से जो स्मूथनेस है, जब भी आप कोई ऐसा एक्शन मूवी या फिर स्पोर्ट्स वाला कंटेंट देखेंगे जिसमें मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, तो वो आपको पे काफी स्मूथ देखने मिलता है। बाकी इसके अलावा जो कॉन्ट्रास्ट है वो आपको पे काफी अच्छा देखने मिल जाता है, जो ब्लैक से वो काफी डार्क देखने मिलेंगे, और जो कलर्स है वो आपको पे काफी वाइब्रेंट देखने मिलते हैं, काफी पंची देखने मिल जाते हैं। साथ में शार्पनेस और जो डिटेलिंग से वो आपको पे काफी बेहतरीन देखने मिल जाते हैं, जब भी आप कोई कंटेंट वगैरह वॉच करेंगे। बाकी इसके अलावा जो व्यूइंग एंगल्स है वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने मिल जाते हैं, अगर आप साइड से भी इस टीवी को देखते तो भी आपको पे
काफी क्लियरली विजिबल हो जाते हैं सारे कंटेंट। और इसके अलावा जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे निकल के आती है वो काफी बढ़िया निकल के आती है। इवन अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ इसे एक सैमसंग की टीवी से, तो आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में है सैमसंग फ्रेम QLED टीवी और राइट साइड में है VU मास्टरपीस ग्लो QLED टीवी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड बाय साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सैमसंग है उसमें आपको VA पैनल देखने मिलता है और जो ब्राइटनेस की निट्स है वो ओनली 500 तक की है। और अगर बात करूँ यहाँ पे VU की तो ये आता है IPS पैनल के साथ में, जिसकी वजह से जो व्यूइंग एंगल्स है वो आपको में काफी अच्छे देखने मिलते हैं। साथ में 800 निट्स की आपको पे पीक ब्राइटनेस देखने मिल जाती है। और ये ब्राइटनेस क्या करता है, जब भी आप कोई भी HDR कॉन्टेंट देखेंगे तो जो उसका आउटपुट है वो आपको पे काफी बढ़िया ला के देता है। जहाँ पे अगर आप साइड टू साइड देखेंगे तो VU आपको पे काफी अच्छा रिजल्ट देता है एज कम्पेयर टू सैमसंग। और इसके अलावा बात करूँ यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शार्पनेस है, जो कलर का पंचीनेस है या फिर जो डिटेलिंग्स वगैरह वो आपको पे काफी अच्छी देखने मिलती है VU के टीवी में एज कम्पेयर टू सैमसंग। इसके अलावा VU के टीवी में आपको फुल अरे लोकल डिमिंग देखने मिल जाता है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो आपको पे काफी बेहतरीन देखने मिलता है, जिसके आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हैं। जो VU के टीवी की ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी वो आपको पे काफी अच्छी देखने मिल जाती है। साथ में आजकल के टीवी में डॉल्बी विजन का सपोर्ट होना काफी जरूरी है, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी है वो काफी बढ़िया निकल के आता है। तो यहाँ पे जो सैमसंग है वो इसे मिस कर जाता है, यहाँ पे आपको कोई भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने नहीं मिलता है। वहीं पे जो VU है उसमें आपको डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट देखने मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हैं कितना पिक्चर क्वालिटी का फर्क आपको पे देखने मिल जाएगा जब भी आपके टीवी में डॉल्बी विजन का सपोर्ट होता है, और ना होने पे कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको देखने मिल जाता है। सो ओवरऑल अपने कॉम्पिटिटर से भी जो VU का ये टीवी है वो काफी आगे निकल के आ जाता है इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी, और साथ में जो कलर एक्यूरेसी है वो आपको 100% देखने मिल जाती है। और इसके अलावा VU के टीवी में आपको बहुत सारे पिक्चर मोड तो देखने मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको फिल्म मेकर मोड देखने मिल जाते हैं, यानी जो भी मूवी वगैरह बनाई जाती है थिएटर स्पेसिफिक सेटिंग्स के साथ में, अगर आपके पास ऐसे कंटेंट का सपोर्ट है तो आप यहाँ पे फिल्म मेकर मोड में उन कंटेंट को वॉच कर सकते हैं। और जो आउटपुट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा वो आपको एज सिमिलर देखने मिलेगा जो कि आपको सेम थिएटर में देखने मिलता है। एंड इसके साथ में जो ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे निकल के आता है पिक्चर क्वालिटी में वो आपको यहाँ पे काफी बढ़िया देखने मिल जाता है एंड फार फार बेटर देखने मिल जाता है इनके कॉम्पिटिटर से इन द सेम प्राइस रेंज। बाकी इसके अलावा बात करूँ यहाँ पे साउंड क्वालिटी की, तो यार इस टीवी में आपको 100 वॉट का स्पीकर्स देखने मिल जाता है, 4 in 1 आपको यहाँ पे साउंड सिस्टम देखने मिल जाता है, यानी 4 आपको यहाँ पे बॉटम में स्पीकर्स देखने मिल जाएंगे और 1 सब वूफर आपको यहाँ पे बैक साइड में देखने मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन बैक साइड में जो सब वूफर है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, जो कि बेस को काफी अच्छे से प्रोड्यूस करता है एंड ओवरऑल बेस इंटरवल्स का काफी अच्छा खासा मिक्सचर आपको लाके दे देता है। बाकी अगर बात करूँ कुछ स्पेक्स की साउंड क्वालिटी को लेकर, तो इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने मिलता है, साथ में EARC का भी सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने मिल जाता है। और यहाँ पे साउंड क्वालिटी को भी कंपेयर कर लो अगर मैं, तो जो सैमसंग फ्रेम QLED टीवी था उसमें अगर आप 50% वॉल्यूम पे जाते हैं और जो आउटपुट आपको देखने मिलता है उससे फार बेटर आउटपुट आपको यहाँ पे 35% वॉल्यूम पे VU के टीवी में देखने मिल जाएगा विद वूफर, जो कि आपको बेस प्रोड्यूस करता है, यानी जो साउंड एक्सपीरियंस है वो आपको पे काफी बढ़िया देखने मिल जाता है और जो लाउडनेस है वो भी काफी बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको 100 वॉट का स्पीकर्स देखने मिल जाता है एंड फुल्ली थिएटर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा जब भी आप अपने रूम में इस टीवी को रखेंगे और इसे सुनेंगे। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ साउंड मोड्स भी देखने मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से अलग अलग स्विच करके इन्हें यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें आपको म्यूजिक मोड भी देखने मिलता है, यानी जब भी आपको सिर्फ सॉन्ग्स को सुनना है यानी ऑडियो को सुनना है पिक्चर्स नहीं देखना है, तो आपको यहाँ पे एक बटन देखने मिलता है जिसपे क्लिक करने पे स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है और सिर्फ ऑडियो आपको यहाँ पे सुनाई देगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया फीचर है। और गाइस इन सब के अगर बात करूँ सॉफ्टवेयर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टीवी में आपको देखने मिलता है एंड्रॉइड 10 और एंड्रॉइड 11 या फिर 12 आपको यहाँ पे इसलिए देखने नहीं मिलता क्योंकि अभी तक वो टीवी के लिए ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है, उसमें आपको बहुत सारे बग्स देखने मिलते हैं। लेकिन जो एंड्रॉइड 10 है वो आपको पे काफी स्मूथ देखने मिल जाता है, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है, इसलिए इस टीवी को यहाँ पे एंड्रॉइड 10 के साथ में रिलीज किया गया है। और अगर बात करूँ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो जो गूगल का लेटेस्ट होम स्क्रीन UI है वो आपको पे देखने मिल जाता है, साथ में ही इस टीवी में आपको सारे एप्लीकेशंस देखने मिल जाते हैं जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स, Amazon Prime, YouTube, Hotstar, ये सारी चीजें आपको पे देखने मिल जाएगी। साथ में आपको पे Spotify का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है और इन सभी के अलावा आपको पे प्ले स्टोर देखने मिल जाते हैं, जहां से आप बहुत सारे एप्स एंड बहुत सारे गेम्स को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं इस टीवी में। और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो आपको पे काफी बढ़िया देखने मिल जाएगा एंड इन्हें स्मूथ बनाए रखने के लिए इस टीवी में आपको 3GB का रैम देखने मिल जाता है, साथ में आपको पे 16GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाता है, जो कि एक स्मार्ट टीवी के लिए काफी सही कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी इसके अलावा बात करें इसके रिमोट की, जितना प्रीमियम आपको यहाँ पे टीवी देखने मिलता है उतना प्रीमियम आपको यहाँ पे रिमोट भी देखने मिल जाता है। ये काफी पतला सा है, लंबा सा है और ये एल्युमिनियम के बिल्ड के साथ में आता है, यानी आपको पे मेटालिक फिनिश देखने मिल जाएगा, साथ में बहुत सारे आपको पे बटन देखने मिल जाते हैं। एंड अगर बात करूँ हॉट कीज की, तो आपको यहाँ पे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सारे हॉट कीज देखने मिल जाते हैं, साथ में आपको पे स्पॉटिफाई का भी डायरेक्ट बटन देखने मिल जाता है और इसी के साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बटन देखने मिल जाते हैं जो कि
टीवी जनरली बहुत सारे टीवी के रिमोट्स में मिसिंग होते हैं एंड ओरल जो उसका रिमोट है वो आपको काफी प्रीमियम एंड काफी अच्छा देखने मिल जाता है। और अगर आपको इसे एक्सपीरियंस करना है तो आप जा सकते हैं अंधेरी के इनके स्टोर पे, वहां पे आप जाके टीवी और साथ में इनके रिमोट वगैरह को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, टीवी को देख सकते हैं यूज करके कि वो कैसा है। सो अगर आप मुंबई से देन डेफिनेटली विजिट कीजिए, जाके एक्सपीरियंस कीजिए एंड देन आप भी समझ पाएंगे कि जो टीवी है और साथ में जो उसका रिमोट है और जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है लुक से वो काफी प्रीमियम देखने मिलती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें टीवी के साथ में गेमिंग भी करना होता है, तो अगर बात करें यहाँ पे गेमिंग के सेगमेंट को लेकर तो गेमिंग भी आपको काफी बढ़िया देखने मिल जाता है। आप यहाँ पे 4K 120fps में गेमिंग कर सकते हैं इस टीवी में। अगर बात करूं इस टीवी में गेमिंग की कुछ स्पेक्स की तो इसमें आपको दो HDMI 2.1 वाले पोर्ट्स देखने मिलते हैं जहां पे आप 4K 120fps में गेमिंग कर सकते हैं। 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने मिलता है, साथ में 240Hz का आपको मोशन रेट देखने मिल जाएगा, साथ में ऑटो लो लेटेंसी का फीचर भी आपको यहां पे देखने मिल जाता है। इसके अलावा AMD FreeSync आपको यहां पे देखने मिल जाता है और साथ में एडवांस GPU एंड APU आपको यहां पे देखने मिल जाएगा। और इन सभी के अलावा HDR गेमिंग का भी सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने मिल जाता है। सो गेमिंग के सबसे काफी पावर पैक है और यहां पे मैंने एक्सपीरियंस किया था PS4 को यूज करके जहां पे आप 4K 60fps तक के गेमिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आपके पास PS5 है तो आप यहां पे 4K 120Hz के भी गेमिंग को यहां पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था वो काफी अच्छा रहा था। पहली बार मैंने किसी टीवी में इतनी अच्छी गेमिंग की है। नॉर्मली जब भी आप किसी भी टीवी में गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत देखने मिलती है, जो फ्रेम रेट है वो इतने स्मूथ देखने नहीं मिलते या फिर बहुत सारे लैग्स वगैरह देखने मिलते हैं, लेकिन यहां पे आपको क्योंकि गेमिंग के इतने सारे फीचर्स देखने मिल जाते हैं, इतने सारे स्पेक्स देखने मिल जाते हैं, तो जो आउटपुट आपको गेमिंग का देखने मिलता है वो आपको काफी अच्छा देखने मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एसफॉल्ट में यहाँ पे खेल रहा था एंड जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे गेमिंग का देखने मिला वो काफी अच्छा देखने मिल रहा था। और अगर आप भी गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं देन डेफिनेटली ये आपके लिए एक मास्टरपीस टीवी है, जैसा कि इसका नाम है मास्टरपीस ग्लो। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आपको गेमिंग का देखने मिलता है वो आपको मास्टरपीस क्लास का देखने मिल जाता है। इसके अलावा इस टीवी में क्रोमकास्ट इनबिल्ट देखने मिल जाता है, साथ में स्क्रीन शेयरिंग भी देखने मिल जाता है, तो आप अपने किसी भी स्मार्टफोन को कास्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इस टीवी से, चाहे फिर वो एंड्रॉइड हो गया iOS हो गया। और जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफी बढ़िया देखने मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। साथ में इस टीवी में आपको डुअल बैंड वाईफाई देखने मिल जाता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे, और साथ में ब्लूटूथ 5.0 आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो अगर आपको अपने नेक बैंड ईयरबड्स को कनेक्ट करके टीवी में कॉन्टेंट देखना है तो वो भी आप यहाँ पे काफी इजिली कर सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। और इसके अलावा ओवरऑल कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे टीवी देखने मिल जाता है। और सबसे लास्ट पे अगर बात करूँ प्राइसिंग की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 डिफरेंट मॉडल्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, तीनों का फीचर सेम है, सिर्फ स्क्रीन साइज का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने मिल जाएगा। एक 55 इंच, देन 65 इंच एंड देन 75 इंच। और अगर बात करूं इनकी प्राइसिंग की तो 55 इंच वाले टीवी की जो प्राइसिंग है वो है 74,990 रुपीज, और जो 65 इंच वाला मॉडल है उसकी प्राइसिंग है 99,990 रुपीज, और इसके अलावा जो 75,000 वाला मैसिव टीवी है उसकी प्राइसिंग है 179,990 रुपीज। और कुछ इस तरीके का आपको प्राइसिंग देखने मिल जाता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको जो 4K QLED टीवी है प्रीमियम सेगमेंट के वो इससे महंगे देखने मिलते, लेकिन ये जो Vue मास्टरपीस ग्लो है ये आपको उससे इफेक्टिव प्राइस में काफी अच्छे फीचर्स एंड काफी प्रीमियम पैक के साथ में एक अच्छा टीवी दे देता है। बाकी कुछ इस तरीके का आपको ओवरऑल टीवी देखने मिल जाएगा। बाकी ये सारे टीवी अवेलेबल है Vue स्टोर पे ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, और साथ में आपको Amazon पे भी देखने मिल जाएंगे। और अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हैं तो इनका डायरेक्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, जहां से डायरेक्टली आप इन्हें बाय कर पाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बाकी इस वीडियो में इतने ही, होपली आप सभी को ये टीवी पसंद आए होंगे, साथ में ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई डाउट है इन टीवीज को लेके देन मेक श्योर नीचे कमेंट कीजिए और मैं उन सभी का आंसर करूंगा। बाकी इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में जो भी 4K QLED टीवी बाय करना चाहता है उन सभी के साथ में, और साथ में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और साथ में ये टीवी आप सभी को कैसे लगा। बाकी अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं देन मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और मैं मिलता हूं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।